हेलो, वेलकम बैक टू आजीवन। अभी बजे सुबह के 10:45 और अभी मैं बना रही हूँ आरुष के लिए ब्रेकफास्ट। यस, वो भी ब्रेकफास्ट खाएगा, फिर अपना नेप लेगा और फिर लंच करेगा। तो उसके लिए पहले बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो उसमें बना रही हूँ मैं अवोकाडो रोटली। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डाला है गेहूं का आटा, ग्रेटेड अवोकाडो एंड जो वो अजवाइन लीव्स आते हैं ना, अजवाइन लीव्स वो डाले हैं मैंने, और उसके साथ ही बेसिल लीव्स डाले हैं, और थोड़ा सा डालूंगी गार्लिक पाउडर, सॉल्ट एंड या नीट करके रोटी बना दूंगी। तो यहाँ पे हमारी रोटी, ये पराठा जैसा बनता है, थोड़ा मोटा बनना हो तो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, ज़्यादा पतला करोगे तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा च्यूवी हो जाएगा। तो यस, इसको मैंने एक साइड रोस्ट कर लिया, अभी दूसरी साइड हो रहा है। एंड डोंट जज मी ऑन दिस पैन, मेरा जो रोटी का पैन था वो टूट गया है उसका हैंडल, तो अभी मैं ये पैन यूज़ कर रही हूँ। दूसरा खरीदने के लिए मुझे स्टोर में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा आरू ब्रश करके कल के लेफ्ट ओवर पापड़ के साथ खेल रहा है। आरू आरू नो आरू आरू आपो तो दीको, मम्मा ने आपो आरुष, मम्मा ने आपिस आपिस। कौन सुने भाई, ये जमाने में कोई सुनता नहीं है किसी की, स्पेशली ये इंसान जो कभी नहीं सुनता है। इसको मैंने एक सजेशन मांगा कि तुम्हें मेरे बाल लंबे पसंद है या छोटे वाले, तो बोल, कोई आंसर ही नहीं आया। क्या लगता सी पोज आ गया ना, है? आई हैव नो आंसर। तुम्हारे पास मेरा आंसर नहीं होगा तो किसके पास होगा, वो भी मेरे लुक को लेके। मेरे पति के पास ही आंसर नहीं है, बोलो। बोल्ड पूछना ही बेकार है इंसान से, छोड़ो। चलो, हमारी आरू की रोटी रेडी हो गई, हमारा आरू भी रेडी है पीछे पीछे आने के लिए। लेट्स गो लेट्स गो। चलो आरू, मेरा रोटी खाएगा मेरा बच्चा, मेरा गुंडो दिख रो, गुंडी गुंडो। ये एक रोटी में है ना आधा अवकाडो आ गया, 4 से 5 बेजिल लीव आ गए और 4 अजवाइन लीव आ गई। तो ये बहुत ही हर्ब फुल है, बहुत ही हेल्दी है, और आरो लंच तक उसका पेट भी भरा रहेगा क्योंकि इसमें अवकाडो है। यस, जनरल में ये रोटी है ना रागी से बनाती हूँ, पर आज मैंने सोचा गेहूं का बना दे आरू को, और गर्म है थोड़ा। लो मामा, नम नम। वाई थोड़ा गर्म है, थोड़ा ही आरू, बहुत नहीं है। लो, गुड जॉब, यू आर माई बॉय। सर्कल, ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? ट्राइंगल आरो, हियर। चलो, अभी मैं ये क्राउन करके, नेटफ्लिक्स में शो है, सीरीज है, वो देख रही हूँ। और आरो ने देखो यहाँ पे गंद मचाई है, अपने मखाने सारे उसने गिरा दिए नीचे। आरो, और यहाँ पे अभी चढ़ रहा है डेस्क पे, गुंडा हो गया ये। वो जस्ट अभी उठ के आया और इतना चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा था। मैंने उसको इतने खाने के ऑप्शन दिए, कुछ नहीं खाना था। एंड में मैंगो दिया, आधा मैंगो खाया, थोड़ा मखाना खाया और फेंक दिया बाकी का। और अभी भी कुछ चबा रहा है, शायद मखाना ही है। और आज है ना, मैंने ये जो आरू का वॉकर है ना, वो बेचने डाल दिया मार्केट प्राइस में। लेट्स सी कोई लेने आता है कि नहीं। मैसेज तो बहुत सारों के आए, 6 से 7 लोग के आए, पर कोई भी दिखता नहीं है। तो ये एक है जिसने एड्रेस मांगा था, अपना फ़ोन नंबर शेयर किया, आ जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। लेट्स सी, आज है ना हमारी गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है, 6:30 हो गया और हमारा खाना भी बन रहा है। बेसिकली आज है ना दोनों को इतना भूख नहीं है, और मैं फ्रिज में घुसी हुई हूँ अदरक लेने के लिए, और ये अदरक टूट नहीं रहा भाई। क्या बोल रही थी मैं? यस, आज हम दोनों इतने भूखे नहीं है, बेल खाया था हम दोनों ने। यार मैं बेल पे भी जी सकती हूँ, पता है मुझे इतनी बेल पसंद है, तो वो खाया था। लाइट खाने की इच्छा थी तो दाल बॉईल कर दी, मेरे पास बॉईल किए वो चने हैं, उसको थोड़ा फ्राई कर दूंगी एंड दैट्स इट। नहीं मिश राइस तो खाएंगे नहीं, दाल है वही, थोड़ा सलाद कर लेंगे। हमारी गुजराती दाल कुछ ऐसी होती है, ये टोमेटो दाल के उबाला है मैंने, अदरक डाल दिया। चलो भाई, ये हमारा गर्म हो रहा है तड़के के लिए। और गुजराती दाल खट्टी मीठी होती है, तो नींबू डाल देते हैं, तो बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो मैं 3 डालूंगी। चलो, मैंने सारे नींबू डाल दिए,
अदरक मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, ये गई ग्रीन चिली, थोड़ी ज़्यादा डाल देते, मैं इसे पेस्ट बना के रखती हूँ। और ये भी गर्म हो गया तो उसको भी देख लेते हैं। मैंने एक्चुअली इसको कम कर दिया था क्योंकि मैं वहाँ पे नींबू निचोड़ रही थी, तो कोई नहीं। मीनवाइल हम गुड़ डाल देते हैं। मैं हमारी दाल में शक्कर नहीं पर गुड़ गुड़ प्रिफर करती हूँ। तो ये गया गुड़। गुजराती दाल है ना, खट्टी मीठी तीखी हर एक टेस्ट आता है गुजरात की डिश में। तो हमारी दाल तो भाई ऐसी ही होती है, खट्टी मीठी। अगर टेस्ट नहीं किया है तो जरूर से कीजिए, अगर आपने नहीं खाई है तो आप खाने लग जाओगे, इतनी मस्त होती है। सो चलो तड़का लगा देते हैं दाल को। ये गर्म हो गया, ये हम डालेंगे मेथी। मुझे मेथी वाली दाल ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसे होती नहीं है इसमें। राई, जीरा, करी लीव्स, ये गई हमारी हींग, और ये गया थोड़ा गरम मसाला। दैट्स इट। जले उससे पहले डाल दो इसको इसमें। ओह माय गॉड, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। उड़ा भाई, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तड़का उछल के बाहर आएगा, पर आया। कोई नहीं, लग गया वैसे तो। इसको अभी हम उबलने देंगे थोड़ा, और फिर हरे धनिए के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। दैट इज द दाल। जनरली जनरली दाल में है ना टमाटर हम लोग बॉईल करने के बाद डालते हैं, पर मुझे थोड़ा इजी करना था, जल्दी करना था, तो मैंने टमाटर अंदर ही डाल दिया। थोड़ा लेट भी हो गया था, हम लोग एक सीरीज देखने में मशगूल हो गए थे ना, तो थोड़ा लेट हो गया। वो कोई नहीं, हो गया, अभी 6:30 नहीं हुए नहीं है, और मेरा खाना बन गया। अरे अले सु करे, नहीं नहीं करे, ए नहीं नहीं करे यारो। चलो आरू का नहीं नहीं का टाइम था, अभी नहला दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट है ना अभी 9:45 बज गए हैं। वो बाहर आएगा ना तब तक, 9:15 तक तो हो ही जाएगा, 9:15 9:30, और फिर उसे सुला देते हैं। यस चलो भाई, हमारा ये लड़का सोने के लिए बिल्कुल रेडी है। अरे नीनी टाइम। चलिए भाई, आज का ये उम्दा दिन यहीं तक रखते। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आजीवन चैनल को। एंड कल मिलेंगे एक उम्दा ब्लॉग के साथ ही। बाय बाय।